हमने यह बात कई बार सुनी होगी कि हमारे साथ जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, whatever happens, happens for the best. लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसी बातों को सुन तो लेते हैं पर उन पर विश्वास नहीं करते। हम में से ज्यादातर लोगों की समस्या यह नहीं है कि उन्हें अच्छी बातों का ज्ञान नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि उनको अच्छी बातों का ज्ञान होने पर वह उन बातों पर विश्वास नहीं करते। मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी का नाम है जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। एक बार शहंशाह अकबर एम्व बीरबल शिकार पर गए और वहां पर शिकार करते समय अकबर की अंगुली कट गई। अकबर को बहुत दर्द हो रहा था। पास में खड़े बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं शहंशाह, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अकबर को बीरबल की इस बात पर क्रोध आ गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बीरबल को महल ले जाकर कारागाह में डाल दिया जाए। सैनिकों ने बीरबल को बंदी बनाकर कारागाह में डाल दिया। एम्व अकबर अकेले ही शिकार पर आगे निकल गए। रास्ते में आदिवासियों ने जाल बिछाकर शहंशाह अकबर को बंदी बना लिया और अकबर की बलि देने के लिए अपने मुखिया के पास ले गए। जैसे ही मुखिया अकबर की बलि चढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो किसी ने देखा कि अकबर की तो अंगुली कटी हुई है, अर्थात वह खंडित है, इसलिए उसकी बलि नहीं दी जा सकती, और उन्होंने अकबर को मुक्त कर दिया। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। एम्व वह तुरंत बीरबल के पास पहुंचा। अकबर ने बीरबल को कारागाह से मुक्त किया। एम्व उसने बीरबल से माफी मांगी कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई जो उसने बीरबल जैसे ज्ञानी एम्व दूरदृष्टि मित्र को बंधी बनाया। बीरबल ने फिर कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर ने पूछा कि मेरे द्वारा तुमको बंधी बनाने में क्या अच्छा हुआ है। बीरबल ने कहा, शहंशाह अगर आप मुझे बंधी न बनाते तो मैं आपके साथ शिकार पर चलता और आदिवासी मेरी बलि दे देते। इस तरह बीरबल की यह बात सच हुई कि जो भी होता है उसका अंतिम परिणाम अच्छा ही होता है। दोस्तों, यह कहानी साबित करती है कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अच्छे का अर्थ उचित एवं न्यायपूर्ण परिणाम से है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे व्यक्ति के संबंध में न्याय करने के लिए बुलाया जाए जिसने कोई बुरा कार्य किया है तो आप क्या करेंगे? आप जरूर उसे ऐसी सजा देंगे या ऐसा कार्य करने को बोलेंगे जिससे कि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, और ऐसा करना ही सबसे न्यायपूर्ण एवं उचित होगा। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि सजा देने में उस व्यक्ति का क्या अच्छा हुआ जिसने कोई बुरा कार्य किया था? सजा देने में उस व्यक्ति का अच्छा ही हुआ है, क्योंकि अगर उस व्यक्ति को इस बात का एहसास न हो कि उसने कुछ गलत किया है तो शायद वह व्यक्ति अपना सारा जीवन ऐसे ही बुरे कार्यों में व्यर्थ गंवा दे, और जब उसके बाल सफेद हों एवं दांत गिरने लगे तो इस बात पर पछताए कि काश किसी ने उस वक्त सही रास्ता दिखा दिया होता तो यह जीवन व्यर्थ न जाता। शायद ही इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मुसीबतों, कठिनाइयों, पराजय, मेहनत एवं गलतियों के बिना सफल हुआ हो। इसीलिए हो सकता है कि आपकी मुसीबतें, कठिनाइयां, पराजय एवं गलतियां इस बात का सूचक है कि आप जल्द ही सफल, सक्सेसफुल होने वाले हैं। दोस्तों, हमारे साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कुछ लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, एव हिम्मत नहीं हारते, और यही दृढ़ निश्चय एव विश्वास उनको सफलता तक ले जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते एव जल्द ही निराश हो जाते हैं, और यही निराशा उनको सफल होने से रोकती है। निराशा की नींद से जागिए, स्वयं से बात कीजिए। कल कभी नहीं आएगा, आगे बढ़िए, आज आपका है। आपको, आप स्वयं के अलावा दूसरा कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप यू एक्सेप्ट योर सेल्फ। लाल वाला बटन है, उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।